तो देख सकते हो ताले बंद हैं, कबूतर सब अंदर हैं और ये लोग भी अभी ढके ही हुए हैं। कल का ये कबूतर उड़ गया था, दो कबूतर उड़ गए थे, तो ये तो आ गया। इसको तो सुबह 6 बजे जब मैं देख रहा था तो उस टाइम ये उड़ रहा था, आधे पे था, उतर रहा था उस टाइम, और अभी बजे हैं करीब करीब 8। तो दूसरा कबूतर तो नहीं आया, तो होप सो कि आ जाएगा वो भी, बट अभी तक नहीं आया इसलिए थोड़ा सा डाउट भी है। और आसमान में कोई कबूतर भी नहीं दिख रहा, इसी की बहन जो तो काली सब्जी वो नहीं आई है। और एक और हेलीकॉप्टर वाली मादी थी तो वो मगरिब के बाद अंधेरे में उतर गई थी, तो देखते हैं क्या होता है, आता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़े, हाय हेलो केम छो और बाकियों को मेरी यो, मैं हूं अबू सुफियान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पिजन एंड फाल्कनरी। तो आज अपडेट देनी है लॉफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और माशाल्लाह इधर अंडे वंडे सब दे रहे हैं, और बस दो जोड़े जिसके नहीं लगे उसने नहीं दिए हैं, इसमें तीन जोड़े ने दे दिए हैं, तीन जोड़े बाकी हैं। इसमें तीन जोड़े लगे हुए हैं, दो जोड़े अभी लगे नहीं हैं, तो इसलिए बाकी जिनके लगे हैं वो दे दिए हैं। इसमें पांच के पांच जोड़े लग गए हैं और एक दो तीन, तीन ने दे दिए हैं, जिसमें से एक ने अभी कल ही परसों दिया है, तो अभी उसका दो नहीं हुआ है। बाकी एक ने एक ही दिया है और एक का एक दिया था टूट गया, तो उसको उठा के एक में कर दिए और उसके नीचे कड़कनाथ के जो तो अंडे रख दिए, देखते हैं क्या होता है। और डफ की अपडेट भी है, और जिस कबूतर को जख्म बिल्ली ने मारा था, जख्मी कर दिया था, उस कबूतर को आज हम लोग देखेंगे, दिखाते हैं, और दिखाने के बाद अगर लगेगा कि छोड़ने लायक है तो फिर छोड़ देंगे और वो छोटे उस्ताद के घर पहुंच जाएगा। तो अभी दाना पानी चल रहा है, खा लेता है, तो फिर दिखाते हैं आपको उसका जख्म और उसके बाद देखते हैं कि सब कुछ ओके रहेगा तो हम लोग उसे छोड़ देंगे, रिलीज़ कर देंगे ताकि वो अपने घर चला जाए। और एक पट्ठा और निकला है होमर का, ये कागजी मादी है और पता नहीं किस कबूतर से जोड़ खाई है, और अकेले ही अंडे देती है, सेती रहे पूरे, मतलब दिन रात अकेले ही सेगी और अकेले ही भराती है। और माशाल्लाह इसने इस बार अच्छा बच्चा भराया है, सोचो कि अकेले मादी ने भराया है और खुद अंडा सेगी खुद ही, और पता नहीं किस कबूतर से जोड़ लगाई है और किस कबूतर से जोड़ खाई है, कुछ नहीं पता, बस वो अंडे देती है किनारे चुपचाप बैठ के सेती है 24 घंटे, टाइम टू टाइम निकलेगी, खाएगी पिएगी, उसके बाद फिर निकल लेगी अंडे सेने के लिए। बच्चा अभी छोटा है, मिक्सअप लग रहा है मुझे, किसी नर से जोड़ खा ली रही होगी। तो आज है 3rd डे मॉर्निंग, और आज जो तो कल से ज़्यादा इसकी हालत डाउन है। खैर खाना पीना तो हो गया है, लेकिन कल जितना नहीं खाया, खिला रहा है तो सारा निकाल दे रहा है, तो आज कुछ मेडिसिन भी ट्राई करनी है। सबसे पहले तो इसे मल्टीविटामिन देनी है, इसकी जो वीकनेस है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, और इससे बढ़िया हालत में तो कल था, बट आज कुछ ज़्यादा ही सुस्त लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं और क्या होता है क्या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। तो देख सकते हो वेट स्प्रे भी लगा दिया है, फिर देखते हैं क्या होता है। तो आज है 3rd दिन की शाम, लेकिन सुबह जैसा बताया था कि बड़े चांसेस कम लग रहे हैं, कल के मुकाबले ज़्यादा सुस्त आज लग रहा था, लेकिन इतना भी उम्मीद नहीं था कि आज ही मर जाएगा। मुझे लगा कि एक दो दिन तक और ज़िंदा रहेगा, बट आज जिस हिसाब से मैंने खाना उसे खिलाया और खा नहीं रहा था, उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, निकाल निकाल दे रहा था, और जबकि कल काफ़ी अच्छे से खाना खाया था इसने। तो
स्टार्टिंग में तो एक बार लगा कि चांसेस है बचने के, बट आज सुबह जिस हिसाब से था तो थोड़ा सा लगने लगा कि चांसेस बड़े कम नज़र आ रहे हैं। तो चलिए कोई नहीं, जिसकी जितनी हयात है ज़िंदगी, अपने हाथ में जो था मैंने वो किया, क्योंकि इतना ज़्यादा था हम स्टिचिंग कर नहीं सकते थे, इतनी ज़्यादा दूरी पे हम स्टिचिंग करते तो फिर चमड़े इतने ढीले तो थे नहीं कि हम यहाँ से यहाँ तक पकड़ के स्टिच कर दें, तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा था कि स्टिचिंग करने का, तो इसीलिए मैंने स्टिच नहीं किया, वरना टाके अच्छे से लगा देता। तो ये देख सकते हो कल का भागा हुआ पट्ठा आज उतर रहा है। काफ़ी देर से सुबह से इधर से उधर कर रहा था, अब जाके ये उतर रहा है। और कल ये अच्छा खासा छत पे टहल रहा था और थोड़ी देर के बाद देखा कि गायब। तो आइए दिखाते हैं जख्मी वाले कबूतर को, वो बैठा है, सॉरी बैठी है, और अगर सही हो गया है, वैसे सही तो हो ही गया है, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी था, अब डेट देनी है कि कितना सही हुआ, और उसे फिर छोड़ देना है, क्योंकि छोटे उस्ताद क्या की उड़ी हुई है, वो सीधे उनके यहाँ चली जाएगी, चाहे उड़ते हुए कुछ देर कुछ घंटे के बाद जाए या तो फिर सीधा चली जाए। हो सकता थोड़ा डरे भी वहाँ उतरने में, क्योंकि बिल्ली ने मारा था तो थोड़ा बहुत डर भी होगा, देखते हैं क्या होता है। तो ये रहा इसका जख्म, देख सकते हो, एक टाका भी दिख रहा है, इसको भी अभी कट कर देते हैं वरना कहीं फंस के नुच जाने का डर है। ये देखो, और आंखें भी माशाल्लाह पूरी एकदम खोलने लगा, एकदम सही। तो टाके को काट देते हैं, ये देखो एकदम परफेक्ट हो गया है, थोड़े से निशान है वो तो रह जाएंगे, अभी उसमें टाइम लगेगा ठीक होने में, बाकी सब एकदम परफेक्ट है। तो छोड़ देते हैं, सीधा लॉफ्ट में जाने को सोच रहा। अब ये जाएगा, और ये सीधा गया, छोटे उस्ताद की छत पे उतरने की कोशिश, बगल में बैठ गया, मस्जिद पे गया। चलो वहाँ से तो उनके कबूतर खुले ही हैं, उतर जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय एंड खुदा हाफिज़। और बाकी दो कबूतरों के साथ अजनबी कबूतर भी एक दिख रहा है, और हमारे ये रहा है।